सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। आप नगर पालिका का चुनाव लड़ रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए, इसमें आप की क्या उद्देश्य है, क्या प्राथमिकताएं हैं? मेरा ये है, प्राथमिकता ये है, मैं नगर में सभासद रहा जी पूर्व में, मैंने सड़कें बनवाई जो 20 साल से चल रही है, 20 साल और चलेगी। मेरा काम बिल्डिंग चेयरमैन नगर में, बढ़िया कार्य किया, बढ़िया सेवा की, लोगों के पास है, लोग जानते हैं क्या किया मैंने, क्या करूँ, वही करना चाहता हूँ जो किया है मैंने। अच्छा, नगर पालिका में आपको वर्तमान में कौन कौन सी कमियाँ नज़र आ रही हैं? सबसे बड़ी कमी तो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार। और आपकी कंपटीशन में इतने सारे कैंडिडेट्स हैं जो आपके साथ फाइट करेंगे, तो आप कहाँ तक समझते हैं कि आपकी सीट निकल पाएगी? हम तो जो है निर्दलीय हैं, हमारे साथ कोई पार्टी तो है नहीं, हमारे साथ पब्लिक है। मैं अभी किसी पार्टी का नेता नहीं रहा, सभासद रहा, बेटा सभासद रहा, किसी पार्टी की सदस्य। तो आपको कितनी उम्मीद है कैंडिडेट से चुनाव में? उम्मीद तो पूरी रखी, पूरी उम्मीद है। अच्छा अच्छा, पूरी उम्मीद है, बेटर काम करूँगा, बेटर सेवा करूँगा, मुझे पूरी उम्मीद है, बढ़िया सेवा की। मैंने सभासद रहा, मैंने सड़कें बताया नहीं, 5 साल में सड़कें उतर जाती हैं। तो आपने किसी पार्टी से सिंबल लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इतनी मार भागम भाग या टिकट लेने के लिए लोगों की दौड़ लगी रही, लोग भागते रहे लखनऊ से कानपुर? पार्टी पुरानी, मैं पुरानी पार्टी, मेरी समाजवादी है, मैं उसी में सेवा करता रहा, मैंने ठीक वक्त बदल गया, मुझे बाहर कर दिया गया। मैं तो क्या समाजवादी पार्टी ने आपकी उपेक्षा की है? हाँ, उपेक्षा की, मैंने संस्था दिलाई बदली की और टिकट के लिए मांग की, मैंने उपेक्षा की। अच्छा, तो आपने मांग की थी टिकट की, लेकिन नहीं मिल पाया है? तो जो टिकट दिए गए हैं पार्टीज़ को, कैंडिडेट्स को पार्टीज़ के द्वारा, बड़ी बड़ी पार्टीज़ के द्वारा, उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे, टिकट्स किस तरह से दिए गए हैं? टिकट जो है जाँच करके सही नहीं दिए गए, जो मुलायम सिंह का टिकट दिया गया वो जाँच करके सही नहीं दिया, दिया जाता तो किसी और को, मैं अपने लिए किसी और को मिलता या मुझे ही मिलता ये। तो आपके हिसाब से टिकट सही नहीं दिए गए? समाजवादी का सही नहीं दिया। ठीक है सर, धन्यवाद।